रोजाना ताजा खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। राजस्थान के इस नेता की रैलियों में जुट रही है मोदी से ज्यादा भीड़, बिगड़ा राजनीतिक समीकरण। नमस्कार दोस्तों, यूसी न्यूज के इस चैनल में आपका स्वागत है, जहां आपको रोज नई नई रोचक जानकारियां मिलती है। दोस्तों, आजकल राजस्थान में एक निर्दलीय विधायक का खौफ चल रहा है, जिसने बीजेपी और कांग्रेस जैसे पार्टियों के राजनीतिक समीकरण को बिगाड़ दिया है। दोस्तों, आज हम खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की बात कर रहे हैं, जिसने अपनी किसान हुकार रैली से पूरे देश में छाप बना रखी है। हनुमान बेनीवाल अपनी खुलकर बोलने की शैली से भी प्रसिद्ध है। राजस्थान के बाड़मेर, नागौर और सीकर में जिस प्रकार किसान हुकार रैली में हनुमान बेनीवाल ने भीड़ जुटाई है, उसे देखकर बड़ी बड़ी पार्टियां सोचने को मजबूर हो गई है। जहां प्रदेश में अलग अलग पार्टियों लोगों को रिझाने के लिए तरह तरह के लालच दे रही है, वही हनुमान बेनीवाल कर्ज माफी, बेरोजगारों को रोजगार और राज्य को टोल मुक्त करने के पक्ष किसान हुकार रैली कर रहे हैं। इनकी रैलियों में इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है, जितनी बड़ी बड़ी पार्टियों जैसे कांग्रेस और बीजेपी की रैलियों में भी नहीं इकट्ठी होती। 10 जून को सीकर में हनुमान बेनीवाल की रैली में 400,000 लोग इकट्ठा होकर अन्य पार्टियों के लिए परेशानी का सबब बन गए और दूसरी पार्टियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। चुनावी रैलियों में भीड़ इकट्ठी होने की बात करें तो इतनी भीड़ मोदी जी की झुंझुनू रैली में भी नहीं थी। राजस्थान के इस नेता की रैलियों में मोदी से भी ज्यादा भीड़ जुट रही है, जिससे राजस्थान का राजनीतिक समीकरण बिगड़ सकता है। हनुमान बेनीवाल की रोचक बातें देश। हनुमान बेनीवाल ने जनता की समस्याएं सुनने के लिए एक नंबर दे रखा है, जिस पर कॉल करके कोई भी अपनी समस्या बता सकता है। फोन को खुद हनुमान बेनीवाल रिसीव करके समस्या का तुरंत समाधान करते हैं। देश हनुमान बेनीवाल जिस व्यक्ति से एक बार मिल लेते हैं, उसे भूलते नहीं है, चाहे चुनाव का समय हो या चुनाव के बाद का समय। देश हनुमान बेनीवाल का घर सेना भर्ती स्टेडियम के सामने है, इसलिए भर्ती के समय इनके घर पर कोई भी रुक सकता है। देश हनुमान बेनीवाल की रैलियों में लोग अपने अपने वाहन लेकर आते हैं। आपके अनुसार इस बार राजस्थान में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें।